बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। अब मैं बकरीद से रिलेटेड थोड़ी सी रेसिपीज़ अब ऐड करना शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ बिहारी पसंदे। ये मैंने पतीली में बनाए, लेकिन आप इसी पसंदे को अवन में भी बना सकते हैं और इसे बारबेक्यू कर सकते हैं ग्रिल के ऊपर। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। जो मसाले हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर बिहारी कबाब मसाला जाएगा, खशखश है पीसी हुई, कच्चा पपीता है, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, फ्राई करके चूरी हुई प्याज है। और कौन सी चीज़ कितनी है ये आपको वीडियो के शुरू में कार्ड में मिल जाएगा, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख के और बना सकते हैं। साथ ही हमें इसके लिए थोड़ा सा हरा मसाला चाहिए, जो कि हम इसके साथ सर्व करेंगे। तो उसके अंदर मैंने लिया है हरा धनिया, पुदीना, लीमू, अदरक, बारीक वाली हरी मिर्चें, तेज़ हैं, अगर आप नहीं खाते आप मोटी भी ले सकते हैं, और थोड़ी सी इसके अंदर लच्छों में कटी हुई प्याज जाएगी। ये सब चीज़ें हम एक प्लेट में गार्निश करने के लिए इसके ऊपर से और सर्व करने के लिए साथ में तैयार करके रखेंगे। बड़े का गोश्त लिया है मैंने आधा किलो, इसके बहुत पतले पतले पार्चे बनवाने हैं तो आपने इसके अंदर बिल्कुल रूखा मीट इस्तेमाल करना है और बहुत बारीक बारीक इसके पार्चे बना लेने हैं। उसके बाद आपने एक काम करना है, एक कटिंग बोर्ड लेना है हमने, एक पार्चा उसके ऊपर रखना है और छुरी से हमने उसको इस तरीके से लंबे लंबे इसके रेशे हैं उसके अपोजिट वे में हमने इसमें निशान मारने हैं। पसंदे जब हम बनाते हैं तो ये इतनी बारीक लेयर होती है मीट की कि ये पकने के बाद श्रिंक होके गोल हो जाता है, बिल्कुल रोल के जैसा बन जाता है। उससे रोकने के लिए हम इस तरीके से करते हैं, लेकिन अगर आपको इसके रोल होने पर कोई इशू नहीं है तो फिर आप बेशक मत कीजिएगा। इस तरीके से हमने बिल्कुल पतले पतले निशान लगाने, देखें आपको दिख रहे हैं ये, और ये बहुत डीप नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ हमने निशान लगाए, लेकिन गोश्त की बोटी जो है वो बिल्कुल साबुत है अभी। तो इसी तरह हमने तमाम गोश्त के ऊपर निशान लगाने। एक बोल के अंदर हम तमाम मसाले एक जगह कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें पीस के मिला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मिला रही हूँ। ये हमने अच्छे तरीके से मिला दिया। अब हम इसमें तमाम पसंदे डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इन्हें ओवरनाइट हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। कोयला मैंने दहकाने के लिए रख दिया है, तो ये दहक जाएगा तो हम कबाब को इससे स्मोक देंगे। 2 सर्विंग स्पून ऑयल मैंने पतीली में ले लिया है और ये मैंने रात भर मैरिनेट भी कर लिए हैं। अब इस ऑयल के अंदर ही मैं इसे डाल दूंगी और पतीली में ही मैं रख के इसको धुआं लगाऊंगी। इसके बाद ये मैं इसके बीच में रख रही हूँ और अंगारा जो है वो मैंने जला लिया है, चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। इसके ऊपर जाएगा ऑयल और अब हम इसे बंद कर देंगे। 15 से 20 मिनट मैं इसको धुआं लगने के लिए दूंगी। जब ये धुआं पूरा सेटल हो जाएगा मैं आपको दिखा के इसे खोलूंगी और फिर हम इसे चूल्हे पे पकाएंगे। बस इतना ही ऑयल चाहिए इसको पकाने के लिए। आप चाहें तो इससे भी कम ले लें, उसमें कोई इशू नहीं है। बारबेक्यू की सबसे बेहतरीन बात यही होती है कि उसमें कम से कम ऑयल लगता है। तो इसे पहले सेटल होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए धुआं सेटल हो गया और अब मैं इसे पका लूंगी। अगर इसे पकाते हुए पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें पानी भी डाल दूंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने इसको तकरीबन 45 मिनट धीमी आंच के ऊपर पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, जब तक कि गोश्त बिल्कुल गल नहीं जाता
और जो है ये हमारे पसंद है, बिल्कुल रेडी नहीं हो जाते। तो देखिए दो चार मिनट के बाद ही इसके अंदर इसमें से काफ़ी पानी निकल आएगा। अगर आप ग्रीक स्टाइल योगर्ट यूज़ कर रहे हैं तो इतना पानी नहीं निकलेगा, तो आप थोड़ा सा डाल लीजिएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल योगर्ट यूज़ कर रहे हैं जैसा कि अमूमन इंडिया पाकिस्तान में यूज़ होता है, तो उसमें काफ़ी पानी निकल आता है, तो फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये पसंदे बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि एक तो गोश्त गलावट के साथ हमने मैरिनेट किया हुआ है, दूसरे ये बहुत पतले साइज़ के पसंदे, तो इसलिए ये बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो अब मैं आपको जब दिखाऊंगी, जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ये भुन जाएंगे और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गले होंगे। 20 मिनट गुजर गए और ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, अच्छे तरीके से ये भुन गए, मसाला लिपटा हुआ है और ये बिल्कुल गले हुए हैं इस वक्त। तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे और इसके लिए हम प्लेटर रेडी करेंगे, जिसमें हम रिंग प्याज के कटे हुए और हरा मसाला और सब चीज़ें इसके लिए गार्निश के लिए साथ रखेंगे। तो हमारे मज़ेदार बिहारी पसंदे बिल्कुल रेडी हैं, एकदम सॉफ्ट और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले, ये इतने अच्छे पके हुए हैं। और आप प्लेटर देखिए मैंने इसको सर्व किस तरीके से किया है, आप भी बड़े प्लेटर्स के अंदर अपने दावतों में इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। चूँकि बकरीद आ रही है तो ये रेसिपीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। इसके अलावा मैंने इसके साथ रायता सर्व किया है, तो ये रायता मैं आप मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट से देख के बना सकते हैं, तो ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई किया करें तो अपनी डिश की तस्वीर लेके और मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर इनबॉक्स कर दिया करें, मैं आपके नाम के साथ उसे पोस्ट करूंगी। इससे दूसरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि रेसिपी ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो वो बेफिक्र होकर फिर उसे बनाते हैं। तो ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।